सरकार ने शीतकालीन सत्र में लोकपाल बिल पेश करने की तैयारी पूरी कर ली है। नए बिल के मुताबिक प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में होंगे और सीबीआई को स्वायत्तता भी मिलेगी, लेकिन सीबीआई लोकपाल के नियंत्रण में नहीं होगी। इस तरह लोकपाल सिलेक्शन कमेटी में स्पीकर के अलावा प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस होंगे और ये चारों मिलकर तय करेंगे कि कमेटी का पांचवां सदस्य कौन हो, जबकि पहले राष्ट्रपति को ही कमेटी का पांचवां सदस्य बनाने का प्रावधान था। राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसके मुताबिक सीबीआई निदेशक का चुनाव एक कमेटी करेगी। प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस इसके सदस्य होंगे। लोकपाल के कहने पर सीबीआई जिस केस की जांच करेगी उस जांच से जुड़े अधिकारियों का तबादला तभी हो पाएगा जब लोकपाल इसकी सिफारिश करेगा। आपको बता दें कि लोकपाल बिल राज्यसभा में पारित नहीं हो सका था और इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया था। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कार्तिके शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कार्तिके, तो पूरी तैयारी सरकार एक तरह से यहां पर कर रही है कि किसी तरह से विंटर सेशन में लोकपाल का बिल पास हो जाए, प्रधानमंत्री को इसके अंदर लाना और सीबीआई को स्वायत्तता देना। शायद किसी तरह कह सकते हैं कि थोड़ी सी झुकी हुई नजर आ रही है सरकार, या कोशिश कम से कम कर रही है अपनी तरफ से। देखिए, ये जो सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है, इसमें पूरी कोशिश ये की गई है पूनम कि किसी तरीके से कुछ जो सरकारी संस्थाएं हैं उनकी स्वायत्तता बनी रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो कि वो लोकपाल के एकदम अधीन हो जाएं। जैसे कि एक मसले पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनका कहना था कि जो लोकपाल दिल्ली में बनेगा वही लोकपाल आपका चेन्नई में होना चाहिए, महाराष्ट्र में होना चाहिए, कलकत्ता में होना चाहिए, लेकिन इसमें अब लिख रखा है कि जो स्टेट्स हैं उनको संपूर्ण आजादी होनी चाहिए लोकपाल को बनाने के लिए। कहने का मतलब है ये मॉडल लॉ है और जरूरी नहीं कि यही लोकपाल या लोकायुक्त आप कलकत्ता में देखें या उत्तर प्रदेश में देखें या भोपाल में देखें। दूसरी इसमें बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो कोटे की बात आती थी, अब कोटे में इसमें अंग्रेजी में शब्द लिख रखा है पूनम कि हम रिजर्वेशन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम उसे रिप्रेजेंटेशन शब्द का इस्तेमाल देंगे, यानी 50% तक उसमें महिलाएं, माइनॉरिटीज, एसटी, एससी और ओबीसी होंगे। तो इस तरह के तमाम संशोधन किए गए हैं इस बिल में। साथ साथ खास बात यह है कि प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े जो तमाम लोग हैं उनको ये छूट नहीं दी गई है। लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मुझे लगती है पूनम, वो ये है कि पहले जो सिलेक्शन कमेटी में एक सरकार का पड़ला भारी था, उसमें यानी प्रधानमंत्री थे, स्पीकर लोकसभा थी, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस थे और एक पांचवां व्यक्ति जो जुरिस्ट होता वो राष्ट्रपति चयन करके भेजता। अब इस समिति ने यह फैसला किया है कि ये चार लोग यानी प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन, स्पीकर लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चौथे मेंबर का चयन करेंगे और फिर राष्ट्रपति उसको अपनी अनुमति देंगे, जिससे कि बैलेंस बना रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इसका। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी पर किसी भी सरकारी बाबू को पूछने की जरूरत नहीं होगी कि भाई हम आपके खिलाफ कर रहे हैं ये इंक्वायरी, तो ये बहुत बड़ा कदम उठा दिया है। तो यानी एक बैलेंस अप्रोच की कोशिश है सरकार की तरफ से।